In the circuit shown, the input voltage is 20 volt, VB is 0, VC is 0. The values of IB, IC and beta are given by. Okay, चलो start करते हैं इसको. आपको क्या बोला गया है देखो, एक थोड़ा सा proper diagram बना लेता हूँ इसका. यहाँ पर एक resistance है जिसका value क्या है, 500 किलो ओम है. बाद में यहाँ पर आपका एक transistor, यहाँ पे ग्राउंड किया है, और यहाँ पर आपके पास एक रजिस्टर है. तो ये रजिस्टर है कितना, 4 किलो ओम का. उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट किया है जिसका वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट. और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है जिसका वैल्यू कितना दिया है, वो भी 20 वोल्ट दिया है, राइट. एंड ये सारे कनेक्टेड है ऐसे, राइट. ये कुछ लगभग ऐसे ही डायग्राम आने वाला है. एंड इसको क्या है, ग्राउंड किया है हम लोगों ने. तो देखो पूछा क्या है, आई बी. आई बी मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द बेस. तो बेस में से करंट कितना जा रहा है, आई बी. तो यहाँ पे तुम लोग क्या करो, केवीएल अप्लाई करो. केवीएल कैसे आएगा, तो होगा प्लस 20 माइनस 500 के आई बी इज इक्वल टू 0. तो आई बी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, 20 डिवाइडेड बाई 500 के आएगा. मतलब ये क्या होगा, 0 0 क्या, ये आएगा 1/25. तो ये 1/25 और ऊपर क्या है देखो, 10^-3 है. तो आई बी का वैल्यू क्या है, 1/25 × 10^-3. आई बी माइक्रो में है तो उसको कन्वर्ट करो. 1/25 मतलब 0.04 × 10^-3 मतलब 40 × 10^-6. तो 40 μA आई बी का वैल्यू, राइट. ऑप्शन देखो, 40 40. तो एक ए है, डी है, मतलब बी एंड सी तो आपका आंसर नहीं हो सकता. अभी चेक करते हैं हम लोग आईसी के लिए. आईसी देखो, आईसी मतलब कलेक्टर करंट होता है, ये वाला करंट होता है आईसी. तो यहाँ पे तुम लोग अभी केवीएल अप्लाई करो, क्या आएगा देखो, प्लस 20 − 4K × IC इज इक्वल टू 0. तो आईसी का वैल्यू आएगा 20 / 4K, मतलब ये आएगा 5 mA. तो 5 mA कहाँ पर है, ऑप्शन डी में. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आई बी 40 μA, आई सी 5 mA. बीटा के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है. अगर सॉल्व करना है तो बीटा क्या होता है, आई सी. चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, बीटा होता है आई सी डिवाइडेड बाय आई बी. आई सी कितना है, 5 mA, आई बी कितना है, 40 μ. मतलब ये आएगा 1/8 × 10^-3 माइक्रो, ऊपर चला गया तो +6, मतलब ये आएगा 1000/8. तो 1000/8 मतलब 500/4, 500/4 मतलब 250/2, मतलब 125. आ गया ना बेटा 125. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी.